हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास बुक चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब इसमें क्या बोला है, हमें फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज का मतलब हमें इनको फैक्टर्स में तोड़ना है, मतलब जो आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये इक्वेशन सेम बन जाए, और किसको यूज करके, आइडेंटिटीज को यूज करके। अब ये आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है पहले उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब x और y क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, और स्क्वायर क्या है, इन दोनों के ऊपर है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी को जब एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसकी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और इसमें जब हम इनको एक्सपेंड करते हैं तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, सिर्फ साइन कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस में है। इस आइडेंटिटी में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और सिर्फ जब हम एक्सपेंड करते हैं तो साइन सिर्फ यहाँ आता है 2xy के आगे। हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब में आगे वाले से पीछे वाले को एक बार हम प्लस करते हैं, और एक बार आगे वाले से पीछे वाले को एक बार क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमें इन आइडेंटिटीज को यूज़ करना है जो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट्स होंगे उनमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। अब यहाँ क्या लिखा है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। क्या मैं 9x स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होगा, क्योंकि अगर मैं 3x को मल्टीप्लाई करूँगा, 3x स्क्वायर है, मतलब 3x मल्टीप्लाई 3x है, मतलब 3x दो बार क्या है मल्टीप्लाई में, तो 3 सा 9 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई वाई, 3 सा 6x एक्स वाई का वाई। अब इसको क्या करूँगा, ये तो ऑलरेडी वाई में, वाई का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी किसको किसकी तरह लग रहा है देखने में, फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, टू भी है टू भी है। अब एक्स यहाँ पे एक्स था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3x, यहाँ पे 3x है, क्योंकि यहाँ पे अब एक्स का गया एक्स आ गया, और वाई था तो वाई है। तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, यहाँ पे एक्स प्लस वाई बना, क्योंकि एक्स का एक्स था, पर यहाँ पे एक्स का क्या है, 3x है, तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, हम इसको दो बार लिख सकते हैं, मतलब 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई, तो फैक्टराइज हो गया, आपस में मल्टीप्लाई में आ गया है। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 9x स्क्वायर को 3x स्क्वायर लिख दिया, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको 3x स्क्वायर को 3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9x स्क्वायर आ जाएगा। किस तरह से, 3x मल्टीप्लाई 3x, 3 सा 9 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सेम यहाँ बनता है। फिर मैंने 6 को तोड़ा किस में, 2 एंड 3 में, 2 3 सा 6 एक्स का x, y का y, एज इट इज प्लस का प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर। अभी देखने में किस तरह लग रहा है, सब में क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, सब में क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस था, तो हम ये वाली आइडेंटिटी नहीं यूज़ करेंगे। यह क्या समझ, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, और ये 2xy हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह क्या आया, 3x, तो हम 3x को लेंगे यहाँ पे, और प्लस का प्लस, और वाई को एज इट इज़ ऐसे देंगे, और होल का स्क्वायर आया, क्योंकि यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स आया, लेकिन यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3x आएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, या वाई है क्योंकि यहाँ पे वाई था, यहाँ पे वाई है क्योंकि यहाँ पे वाई ही था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब मैं 4y को किस तरह से लिख सकता हूँ, 2y का होल स्क्वायर। अगर मैं 2y को 2y से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा, 2y मल्टीप्लाई 2y, 2 जा 4y इंटू वाई वाई स्क्वायर, सेम आ रहा है। अब माइनस का माइनस, अब 4 को क्या लिखता हूँ मैं, 2 इंटू 2y इंटू 1, और क्या है, प्लस 1। अब 1 को मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ,
वन वन जा, वन ही होता है। अब क्या बनाइए, अब यहाँ माइनस का साइन है तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, ये माइनस वाली। एक्स की जगह क्या देगा, टू वाई। वाई की जगह क्या देगा, वन। यानी कि ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। अभी क्यों बनेगी, यहाँ पे क्या था एक्स का, तो एक्स आया, लेकिन यहाँ पे एक्स का क्या रहा है, टू वाई, तो टू वाई लिख दिया। फिर यहाँ पे वाई की जगह क्या था, वाई था, तो यहाँ पे वाई की जगह क्या रहा है, वन। यहाँ पे वन पुट कर दिया, और ये टू का, टू माइनस का माइनस मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स वाई लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे और एक्स है, एक्स ही है, एक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू वाई है, टू वाई है, सेम है। जो यहाँ पे एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, और यहाँ पे क्या है, टू वाई है, तो यहाँ पे टू वाई है, और यहाँ पे क्या है, वन है, यहाँ पे भी वन है। ठीक है, बनिए टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। तब इसको हम दो बार लिख देंगे, टू वाई माइनस वन एंड टू वाई माइनस वन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर थ्री के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों समझ आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के थर्ड पार्ट में। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। ये आपको देख के पता लग चुका होगा कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी सूट कर रही है, जो डायरेक्ट दिख रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस का माइनस वाई का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर किसका है, ओनली वाई का है, 100 का नहीं है। तो हमें इस पूरे फ्रैक्शन का स्क्वायर करना होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का माइनस वाई अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर ऑलरेडी था, और 10 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 100। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। वाई का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। फिर हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन में 10 का होल का स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर लगा दिया। अब कौन सी आइडेंटिटी बनी, ये वाली, यहाँ पे एक्स था तो एक्स आया, वाई है तो वाई है, बीच में प्लस है, तो सेम करेंगे। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई अपॉन में 10 है, तो क्या देगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में 10, फिर एक्स माइनस वाई अपॉन में 10। यहाँ पे एक्स का एक्स था तो एज इट इज आया, फिर क्या था, प्लस है तो प्लस है। यहाँ पे वाई था लेकिन यहाँ पे वाई अपॉन में 10 है, तो वाई अपॉन में 10 आ गया। यहाँ पे एक्स था तो एक्स आ गया, माइनस का माइनस आ गया, वाई अपॉन में 10 आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर थ्री के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। ये जो तीनों आइडेंटिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें ढंग से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये प्रैक्टिस करते करते ही लर्न हो जाए। अब अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इन्हें एक दो बार प्रैक्टिस करें तो आपके डाउट जरूर क्लियर होंगे। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।